सवाल ये है सर, स्टूडेंट के को लेकर जो अभी बिहार का बीपीएससी का परीक्षा होगा, पेपर लीक हो गया था, वो सवाल है। बीपीएससी का पेपर लीक को लेकर जो सवाल है, जो आदमी आके कह रहा है भैया बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? आई बीपीएससी का पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ है, पिछले 10 साल में 60 बार से ज्यादा अलग अलग एग्जाम से पेपर लीक हुए, 60 बार से ज्यादा। अगर हम एक ट्वीट कर दें, एक प्रेस वार्ता कर दें, उससे क्या पेपर लीक होना बंद हो जाएगा? नहीं होगा। देखिए, आपकी आपने अपनी अपेक्षा इतनी छोटी कर रखी है कि विपक्ष में जो नेता बैठे हुए हैं वो भी ये समझते हैं कि भैया बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, हम चाहे लंदन में हमारे ऑफिस से ट्वीट कर दिया और आपको लगता है कि बाप रे बाप इन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। बीपीएससी पर उन्होंने, बीपीएससी के पेपर लीक पर उन्होंने जांच कमेटी बैठाई है, रिपोर्ट आने दीजिए, अगर सेटिस्फाइड नहीं हुए लोग तो उस पर लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी, लड़कों की मदद से लड़ी जाएगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन ट्वीट की राजनीति से बात नहीं बनेगी। एक ट्वीट कर दिया, काम पूरा हो गया, अब आप खुश हो गए, कह रहे भैया प्रसाद भैया ने ट्वीट कर दिया है, हम ट्वीट करने में एक मिनट लगता है, उससे समस्या नहीं सुलझेगी।